यहाँ से हम चले जाएंगे एक गर्म जगह जहाँ पर अभी 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दैट इज एरिजोना फिनिक्स। और हम पूरे पूरे गोरी कम्युनिटी के बीच में थे। मोर ओवर हमने ये कसम खा ली थी कि माता रानी बच्चों को ना सुला दो, 2 घंटे की फ्लाइट में हम आपको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। पहाड़ जो है वो लाल रंग के हैं, रेड रॉक्स, और यहाँ पे होने वाली एंगेजमेंट मेरे भाई। फाइनली आफ्टर मिलियन ऑफ इयर्स, जिलियन ऑफ इयर्स, कमो गेट्स मैरिड, एंगेज्ड। कैसी लगी तुम्हें ये जगह राहुल? गुड। वो घर मुझे देख के ज्यादा अच्छे लगे। कौन से घर? अरे अभी मैं तुम पहाड़ दिखा रही हूँ, सीनिक ब्यूटी दिखा रही हूँ, तुम पक्के लाला हो। तो अभी हम जा रहे हैं मीठा करने के लिए, हमारी कमो भी हो गई है सगाई, और शायद आइसक्रीम खिला रहे हैं। दौड़ में या किसी भी चीज में ओला पीछे नहीं रह सकती, ओला आगे होती है, और बॉल पकड़ने में भी वो पबजी पीछे रह जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के बजे हैं 3:26 और हम जा रहे हैं यहाँ से सिएटल से एयरपोर्ट, ताकि हमें यहाँ से फ्लाइट पकड़नी है एरिजोना की। सुबह सुबह 3:26 पे बच्चों का खाना बनाना शुरू कर दिया। ये मम्मी बना रही है अंडा और साथ में डालेगी 2 ब्रेड, ताकि बच्चे भूखे ना रहें। ये आपको आंखों से पता चल रहा होगा, काफ़ी सूजी हुई है कि नींद पूरी नहीं हुई है। और ये फाइनली हमारा सामान है जो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, चटरम पटरम सब कुछ। और ये हमारे कैबिन के बैग्स जो हम साथ लेके जाएंगे, ये बचा हुआ खाना, ये हमारा कैमरा बैग। और इस एयर बीएनबी को अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया। हमारा चेकआउट है यहाँ से सुबह 4 बजे, बस आधे घंटे के अंदर। बेड पे शिवाय सो रहा है, अभी हम इसको उठाएंगे, ब्रश कराएंगे। सारा टेबल क्लियर हो गया हमारा, बस चश्मा रह गया, मन्नी का मोबाइल, मेरा वॉलेट और मेरा फोन। यहाँ से हम चले जाएंगे एक गर्म जगह जहाँ पर अभी 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दैट इज एरिजोना फिनिक्स। तो कैसा रहता है ये सफ़र, बने रहिए, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। अभी एयरपोर्ट की कहानी पे। अरे कुछ तो मन नहीं होता यार, मैं नहीं आऊंगी इनके साथ कहीं। इतना पैसा खर्चो, सब करो, वो भी बेचारा, उसकी भी ट्रिप हमारी वजह से बर्बाद हो रही है। मॉर्निंग के अंदर अब हम जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट, और यहाँ मन्नी बच्चों को संभाल रही है। ऑल गुड मन्नी? ऑल गुड ही है, क्या ही गुड है, इनको तो घर ही छोड़ के आओ यार, अगली बार कहीं मत लेके आओ, ये डिजर्व भी नहीं करते। क्यों? बस कलेशी है यार, कलेशी, बिल्कुल कलेशी। बाहर का व्यू कुछ ऐसा है सुबह सुबह। तो यहाँ हम फाइनली पहुँच गए हैं फिनिक्स के एयरपोर्ट पे, और बड़ी मुश्किल से फ्लाइट हमारी 2 घंटे ही कंप्लीट हुई है। इस बच्चे ने ना हमारी ज़िंदगी हराम कर दी, ठीक है। और एक वो बच्चा जो नाना की गोद में है, ये देखो क्या किया इसने, बता जरा, ठीक है। और हम पूरे पूरे गोरी कम्युनिटी के बीच में थे। मोर ओवर हमने ये कसम खा ली थी कि माता रानी बच्चों को ना सुला दो, 2 घंटे की फ्लाइट में हम आपको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। जाके पक्का चढ़ाना। यस, पर आखिरी में उठ गया था, पर फिर भी राहुल तुम्हारे साथ चिपक के बैठा रहा चुपचाप। नहीं तो जो जिस तरीके की भैं भैं करता है ना। गाइज, जैसे कि आप देख रहे हो, स्पेशली हम उड़ के आए हैं फ्रॉम सिएटल टू फिनिक्स टू सिडोना, इसके बाद फ्लैगस्टाफ, फिर ग्रैंड कैनियन। सिडोना रुके हैं हम लोग, यहाँ पर व्यू देखो पीछे, सारे पहाड़ जो है वो लाल रंग के हैं, रेड रॉक्स, और यहाँ पे होने वाली है एंगेजमेंट मेरे भाई की और भाभी की। और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा, आप देख के पागल हो जाओगे। थोड़ी सी गर्मी है बट बेरेबल है। गर्मी है बट इतनी भी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। गर्मी है बट कम है, हवा चल रही है इसलिए गर्मी नहीं लग रही। हवा ठंडी है। और पर ये एरिया देख कितना अच्छा, हाउ हाई फोटो खींचो, बहुत ऊपर खींचो, तेरा मन है फोटोज खींचवाने का, ऊपर खींचे। सो गाइस, यहां पे होने वाली है एंगेजमेंट सेरेमनी, एंड यहां पे आप देखो
यहाँ पे अंदर चैपल है. ओके सो द चैपल इज इनसाइड एंड बाहर का व्यू कुछ ऐसा है. राहुल वहाँ पे कैमरा सेट कर रहे बिकॉज ही इज द फोटोग्राफर ऑफ द डे एंड ही इज गोइंग टू टेक द पिक्चर्स ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम. यहाँ पे हमें दी गई जिम्मेदारी शिवाय को पकड़ने की, क्योंकि अगर शिवाय नीचे गिरा तो शिवाय फिर गिरा. नो शिवाय, दिस इज अ डेंजरस प्लेस फॉर यू. तो यहाँ पे चल रही है रिहर्सल फॉर एवर एंगेज होने से पहले वाली. जेजू कहाँ आयो? जे बाबा, जे बाबा. लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. इसका भी है बॉयज का. तो यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम ट्रायल कर रहे हैं रिंग्स एक्सचेंज करने का. एंड यहाँ हम हैं चैपल में. Congratulations guys. Guys, congratulations. Smile. Smile. Holding my smile. Under the trees. So finally we get engaged. Congratulations. Congratulations to all of you. Congratulations. Congratulations, Papa. Congrats everybody. तो यहाँ पे सब माओ की आंखों में आ चुके खुशी के आंसू. फाइनली आफ्टर मिलियन ऑफ इयर्स, जिलियन ऑफ इयर्स, कमो गेट्स मैरिड एंगेज्ड. ऑन द पाथ पाथ टू मैरिज, पीपल ड्रीम ऑफ दिस. थैंक यू फॉर मेकिंग इट हियर. कैसी लगी तुम्हें ये जगह राहुल? गुड. वो घर मुझे देख के ज्यादा अच्छे लगे. कौन से घर? अरे अभी मैं तुम्हें पहाड़ दिखा रही हूँ, सीनिक ब्यूटी दिखा रही हूँ. तुम पक्के लाला हो. किसी ने कहा है तुम्हें पहले ही? द फादर्स ग्रीटिंग ईच अदर, मुबारक एंड मुबारक. कांग्रेचुलेशंस. बाय. मामू वाले कांग्रेचुलेशंस. हां फाइनली. कैसा लग रहा है भाई की शादी हो गई? शादी नहीं हुई अभी, अभी तो सिर्फ क्या हुई है, सगाई. अभी तो शादी होनी बाकी है. उपासना अभिनल ने बड़ी जल्दी हाँ कर दी. प्रपोज है? तूने पहले रिंग डाली है ना? वो कहीं मैंने और भी जल्दी हाँ. नाइस. तो गाइस फाइनली एंगेजमेंट हो गई है. एंगेजमेंट इधर भी. और जब आप बाहर किसी देश में रहते हो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं. और स्पेशली जब आपकी फैमिली आते हैं ब्राइड फाइनली हम उतरे हैं कहीं आइसक्रीम खाने के लिए. और दोनों बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं. बनी ठीक है, बच्चे संभाले जा रहे हैं उससे हैं. चल गुड. वो चल रहा है, वो आपकी पकड़. चला पापा का हाथ दे दो. तो अभी हम जा रहे हैं मुँह मीठा करने की, क्योंकि हमारी कम होगी हो गई है सगाई. और शायद आइसक्रीम खिला रहे हैं. मीठा खिला खिला के उन्होंने मेरी तोंद निकाल दी है. यहाँ हमने लिया ओरियो और चॉकलेट का मिक्सचर. और ये दोनों लड़के ना उंगलियाँ मार मार के, ये देखो ये तो शिवाय का तो खाने की अक्ल ही नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है ना. बिल्कुल सर्टिफाइड गवार है शिवाय. और व्यू देखो इसके आगे बैठ के. और ये हमारा व्यू है, हम यहाँ बैठे हैं. और ये देखो व्यू देखो, जूम करके दिखाता हूँ. लग रहा है ना उतना है नहीं, क्योंकि गर्मी भी बहुत है. वैसे हवा चल रही है अच्छी, बट स्टिल जब हम लैंड हुए थे ना फीनिक्स, मुझे लगा था मैं यहाँ 2 सेकंड भी नहीं रह पाऊंगी. बहुत गर्मी थी. सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपने Airbnb पे. घर का टूर तो मैं आपको कल ही दूंगा, पर आज मन्नी आते ही सबसे पहले बच्चों का ध्यान रखने के लिए ये शॉपिंग कर चुकी है. ठीक है, यहाँ बन रहा है मैक्रोनी, मैगी बना के उसने वहाँ रख दी है. और ये घर कुछ ऐसा दिखता है.
मैंने कल रात को आपको बताया था कि हम एरिजोना उतर। अरे यार बोल भाई, हाँ बोल। मैं ये कह रही हूँ कि अभी हम ग्रैंड कैनियन जाने वाले हैं, उससे पहले फटाफट नाश्ता करो। मेरे को अभी टॉयलेट नहीं आ रहा, जब तक नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। ये बीमारी है वैसे टॉयलेट आ रही, तो तब तक मैं बैठी हूँ तुम्हारी। नहीं मुझे कॉफी दे, मैं ट्राई कर रहा हूँ ना। मैं नहीं कर रहा, तू कर रही थी ना, मुझे नहीं पता। करो फिर, नहीं होती बीट वाले काम, तो फिर अभी वेट करो। तो ये हमारा नया घर है जिसमें हम अगले 3 दिन रहने वाले हैं, और हम आए हैं फीनिक्स के बहुत ही पास। एक छोटा सा शहर पड़ता है जिसका नाम है सिडोना, और हम उसके आगे एक जगह है जिसका नाम उससे लिया नहीं जा रहा, वो है लेक करके कुछ, मैं आपको बताऊंगा वो अभी थोड़े आगे। और कैसा हमारा घर दिखता है वो आप इंटरेस्टेड नहीं होगे, पर ये दिखा देता हूँ कि लोकेलिटी कैसी दिखती है। तो ये सारे के सारे घर बने हुए हैं, अगर मैं फिंगर लेके आऊँगा तो फिर वो ब्लर हो जाएगा। देखो तो ये सारे की सारी रो, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ इतना सा एरिया, और अभी अंदर जीजू इतना परेशान कर रहा है कि और शिवाय उठा नहीं है, और हमने अभी निकलना है और मुझे टॉयलेट नहीं आ रहा है। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जब आपको कहीं जाना हो और आपको पता टाइम कंस्ट्रेंट है और टॉयलेट नहीं आ रहा है, तो आप कन्फ्यूज़ होते हो कि जाऊँ कि ना जाऊँ, पर जाना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ सुबह सुबह, और ये बात मैं आपसे करना चाहता था कि यार 2 दिन से टॉयलेट ही नहीं आया, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और अभी मैं कॉफ़ी पीता हूँ, थोड़ी वॉक और करता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या बनता है। यार मम्मी अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट लेके जा रही हूँ, ठीक है। और हम रहते हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारा रूम है, और यहाँ पे देखो इतना छोटा सा रूम है। ये रहा मैं, हेलो, और ये रहा शिवाय अभी सो रहा है। पीछे जितनी आवाज़ आपको आ रही है वो जे की आ रही है, ठीक है। आपको मैं बाहर लेके चलता हूँ, जे की आवाज़। ये दूल्हा सो रहा है, क्या हुआ है, क्या हुआ, चुप हो जा। सुन रही है, ओए सुन रही है तू, लड़की लग रही है। ओपन कर, क्या ओपन करना, फ्रिज में ओपन कर रहे हो, ओपन कर लिया। खीरा क्या है, खीरा क्या हीला, खीरा क्या हीला है, क्या मांग रहा, दे देना। मैं ना दे क्यों, मर्जी नहीं। अरे देना काम बेटा, ये खा के देखो। नहीं मैं नहीं खा सकता सुबह सुबह। चल बस कर, झूला बन के लटक रहा है उसके ऊपर। क्या है, क्या है, क्या हुआ है। हेलो जी, जी हाँ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, हैं जे जे अपनी मस्ती के अंदर है। ये देखो छुटनका सा फ्रिज के साइड पे लटका हुआ, क्या हो गया, तंग कर रहा हूँ क्या मैं। नहीं नहीं नाश्ता कर रही हूँ ना, जाना है अभी, कोई उठा तो है नहीं, अविरल भी अभी सो रहा है। मैं सबको, पापा सुबह सुबह अंडा ब्रेड खाते हैं ना, तो पापा को बना के दे। हाँ तो तुम भी खाते हो, ये क्या बना रहे हो, ये तो मम्मी को दे रही हूँ। ये क्या है, चीज़ और एवोकाडो, चीज़ और एवोकाडो। तो इंडिया में बहुत महंगा, तो यहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे मौज लेते हैं। तो ये एवोकाडो पेस्ट है, ये घर से लाए हैं अभी? नहीं अभी उपासना कल वॉलमार्ट देखी है। अच्छा सैंडविचेस के, तो सैंडविच के अंदर चीज़ का एक स्लाइस डाला और एवोकाडो पेस्ट डाल दिया। वेजिटेरियंस तुम्हारे लिए तो वो सब भी है। क्या होती है, चिकन की, वो सलामी खा लूँगा अभी, वो फिर अंडा ब्रेड ना। नहीं दे दे, ये वेजी बर्गर है। गुड मॉर्निंग, और ये चिकन ब्रेस्ट है। ये क्या, चिकन ब्रेस्ट, चिकन ब्रेस्ट को डीप फ्राई करना पड़ेगा ना। नहीं तो बिना उसको, है माइक्रोवेव। ऐसा लग रहा है जो मैंने कल अमेरिकन ब्रेकफास्ट किया है ना, उसकी वजह से मैं अभी तक खुश नहीं हो पा रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ आई एम नॉट गेटिंग, आई एम नॉट एबल टू फ्रेश माई सेल्फ। और मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रिप पर जाऊँ और फिर मुझे एकदम टॉयलेट आ जाए। और मनी लगी हुई है, सुबह से एडिटिंग कर चुकी है, बच्चा मान नहीं रहा। नीचे तू छोड़ के आना नानू के पास। दिस ओह शिट, देयर इज समथिंग, मेरे को लग रहा है ऊपर के वॉशरूम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है।
देखो यहाँ से ना पानी गिर रहा है, जस्ट वी हैव टू कंप्लेन टू द एयरबीएनबी ओनर, ठीक है ना। मन्नी तो सिर्फ अपने आउटफिट के पीछे पड़ी रहती है कि मेरा आउटफिट देखो जैसे किम कार्डशियन हो। चलो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और कैमरा थोड़ी देर रखता हूँ और अपना काम करता हूँ, थोड़ी बहुत शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ आप सबके लिए, और यही चल रहा है। और आज हम जाएंगे ग्रैंड कैनियन और देखते हैं वो कैसा दिन रहता है। और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि टॉयलेट नहीं आ रहा। तो यहाँ राहुल नाइट सूट में बैठ के अपनी चाय को कॉफ़ी को सॉरी बीट कर रहे हैं। ऊपर ला मेरे फेस को क्योंकि पॉटी नहीं आ रही है, पॉटी नहीं आ रही राहुल को, तो राहुल कॉफी शायद इसी सहारे, ये इंडियन जुगाड़ है। और आ जाए, पानी पिया है मैंने, बुरा हाल है। जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये, तूने खाना नहीं खाना? जे को देखो, जे क्या कर रहा है, ये देखो क्या, हाँ क्या चाहिए, खाना खा चुका है ये जे। जे जी जी नहीं मम्मी क्या फर्क यार, मन्नी लगा रही है अपने सनस्क्रीन। मन्नी की लुक देख लो यार, देख लो आप, देख लो ये देखो मन्नी पैर पर पता नहीं क्या रगड़ रही है, सनस्क्रीन लगा रही है। क्यों पैर कौन देख रहा तेरे, कोई तो होगा देख। हाँ जे लगा हुआ अपनी मस्ती में और शिवाय सिर्फ मम्मी के आगे पीछे घूम रहा है। शिवाय कुछ नहीं खा रहा, बहुत पतला हो गया। शिवाय का पेट ऐसे चिपक गया है ना एब्स करके जैसे एब्स मारी है। शिवाय की बनियाने हमेशा, शिवाय का एक है जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन का था ना, कमेंट ये चाहिए सबसे फीडबैक गाइस कमेंट सेक्शन में। जितनी भी मदर्स हमारा ब्लॉग देख रही है, मुझे ना जितनी बनियाने में शिवाय के लिए खरीदती हूँ ना हमेशा कॉलर से बाहर आ रही होती है, तो कोई टाइप की बनियान है जो टी शर्ट वाली होती है जिसमे ना दिखे, छोटे बच्चों की आती है बोले कौन सी आती है जो यहाँ तक होती है, हाँ बाजू तो उसमें तो और नहीं दिखेगी बाहर, यहाँ से दिखेगी। हाँ हो भी सकता है। और ये देखो ये क्या कर रहा है, हम आ जाएंगे या नीचे आ जाए सारे बाहर ही छोड़ बैठो। कौन जे और अब मैं ऑफिस आ चुका हूँ, सुबह के बज रहे हैं 10, ठीक है मैं आज जल्दी आ गया हूँ। भैया ने मेरे को बुलाया था कि 11 बजे तक आ जाइए आराम से, पर बब्जी ओला को घुमाना था ना रात को, शाम को कल मैं उनको मैं जल्दी घुमा के आ गया था, इसलिए पहले चलते हैं ऑफिस में, ठीक है अपना हेलमेट रखते हैं यहाँ पर और फिर चलते हैं ओला बब्जी के पास। ओला बब्जी क्या कर रहे हो, दोनों क्या कर रहे हो, बब्जी क्या हुआ। और मैं ना ओला ना अभी बंधी हुई है और इसकी ना मैंने चेन बहुत लंबी की हुई है, क्योंकि ना आंटी अगर इसको शाम को, और इसकी वजह है मैं इसको इतनी लंबी चेन बांध के क्यों गया हूँ, क्योंकि अगर मैं होता हूँ भैया होते हैं तो इसको हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि ये ना ऊपर चढ़ती है, अगर इसके लिए खाना देने आते हैं ना तो इसका मन होता है सबसे पहले खाना मेरे को चाहिए, ठीक है तो फिर हम तो लालच दे के थोड़ी सी खाना दे के थोड़ा सा इसको चुप करवा देते हैं, पर शाम के टाइम इसको आंटी खाना देती हैं तो फिर आंटी को धक्का दे कि गिरा ना दे या फिर अपना पूरा खाना गिरा ना दे उनके हाथों में से, तो इसीलिए मैं उसको चेन से बांध के गया था, और ताकि ये सुसु पोटी भी कर ले अपना अगर रात को इसको लगे और ये पानी वगैरह भी पी ले, पर आंटी को भी परेशान ना करे। और अगर ये खुली रहेगी तो इसके बर्तन ये रहे, बर्तन बजने स्टार्ट हो जाएंगे और आज रात को बर्तन नहीं बजे, पानी भरा हुआ है, क्या हुआ है वो कुछ पार्क में दिखाई दिया बब्जी को, अच्छा वो सामने जा रहे हैं तो बब्जी ने चिल्ला रहा है, बब्जी मेरी याद आई थी तेरे को, याद आई थी मेरी तेरे को। अब बब्जी मेरे से प्यार कर रहा है, चलें पार्क में चलना है, अब बब्जी देखो पार्क में जाने के नाम से बब्जी चलें, पर बब्जी की एक खासियत है चाहे मैं कितना भी लेट आऊं, ठीक है या फिर लेट घूमने के लिए जाए ये सुसु नहीं करता, यहाँ पर ये सुसु नहीं करता ना पोटी करता है, ये सीधा पार्क में करता है सुसु पोटी,
है ना बबजी, है ना बबजी? बबजी बहुत ध्यान से सुनता है और ओला को देखो, ओला को ओला कितने पीछे होके बैठी है, जैसे मैं आगे जाऊंगा ना वो देखो कैसे जंप जंप करेगी मेरे ऊपर। ओला देखा, ये पीछे होके बैठी थी ताकि मेरे ऊपर जंप करे ये। और देखो बबजी भौंक रहा है ना, बबजी को मना कर दी है वो कि तू क्यों गुस्सा कर रहा है किसी के ऊपर। ओला वैसे समझदार तो है, अब देखो ओला इसको पीछे से मना कर दी है ना। ओला ओला उसको बबजी को मना करो, बबजी को मना करो। हाँ क्या हुआ अब बबजी बोल रहा है मेरे को घुमाने के लिए लेके चलो, इसलिए मेरे ऊपर भौंक रहा है ये। हाँ कौन है, कौन दिखाई दे रहा है तेरे को? ये देखो, चलो चले चले चले, दोनों को लेके चले और दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है? डन हो गया सब फाइनल। अब ओला को हम ओला की लीश खोल देते हैं, ओला लीश ना खुलवाने नहीं देगी। चलो बबजी चलो, ओला के बबजी रुक जा बबजी। वो देखो वो नीचे भाग गया सबसे पहले, उसको सुसू आया हुआ है। ओला सिट, तेरे को खोल दो ना, बैठी रहे दो मिनट ना। और ना ये ना चेन पागल ना चेन नहीं खोलने दे रही है, रुक जा ओला। इसने ना अपनी ना चेन भी तोड़ दी है इन दोनों ने। अरे रुक जाओ यार, लीश तो लेने दो मेरे को। इनकी लीश अंदर है, ये देखो कितने स्पीड से भागे हैं। ओला लीश, चलो 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 चलो। ओला कुछ उठाना नहीं है, मैं लीश लेके आ रहा हूँ दो मिनट। और स्कूटी वाले चले गए, दोनों को मैंने एक ही रस्सी से बांधा हुआ है ताकि मेरे को भी दिक्कत ना हो, ठीक है? और दोनों को लेके चलते हैं सीधा पार्क में। पहले हम खोलेंगे पार्क का ताला और दोनों चलो अंदर। ओहो रुक जाओ भाई, और मैंने कर दिया ताला बंद ताकि ओ बब्जी गिर गया बब्जी गिर चुका है। दो मिनट रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओला रुक जाओ, ओए रुको अभी, रुको 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 रुको। ये दोनों गिर गए थे, मैंने एक लीश से इनको बांधा हुआ था और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे, पर ओला नहीं गिरी थी, ओला बच के बबजी गिर गया था। बबजी पागल है, दौड़ में या किसी भी चीज़ में ओला पीछे नहीं रह सकती, ओला आगे होती है। और बॉल पकड़ने में भी वो बबजी पीछे रह जाता है। और अभी बबजी गिर भी चुका है और देखो बबजी पूरा गंदा हो गया है, देख रहे हो पूरा गंदा हो चुका है बबजी। उधर का ना गेट ना खुलाओ, बबजी बाहर ना भाग जाए, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। भाई साहब बबजी के दांतों में इतनी ताकत है ना कि पूछो मत। इसने देख रहे हो एक तरफ से खींच रहा है, ये पूरा अलग कर रहा है, देख रहे हो? और ओला में भी वही ताकत है भाई, भाई साहब कोई मेरे मुंह पे ना मार देंगे। ये आपस में खींच रहे हैं, किसका है ये? चलो आज तो मैं फ्री हूँ, इनको खेलने के लिए दे सकता हूँ, पर मैं इनको संडे को छोड़ के और किसी दिन लेके आता हूँ तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इनको फ्री करवाने के बाद जल्दी मेरे को ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है ना मेरे को, तो इसीलिए मैं बबजी को ऐसे छोड़ नहीं सकता ना, इसलिए आज तो चलो खेलने दो इसको। आज तो इन्होंने टुकड़े टुकड़े ही कर दिए पूरे पार्क में, और देख रहे हो कल ही पूरा पार्क साफ हुआ था ये, ठीक है? पार्क बिल्कुल साफ हुआ हुआ है, ठीक है? और ये दोबारा ये दोनों गंदगी मचा रहे हैं।